आप यहीं से देखिए, आपको महसूस होने लगेगा कि राजा महाराजा की नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। महल का दर्शन कराते हैं और आपको बताते हैं कि ये देखिए, ये मंकी दिख रहा है ये। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है और स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग पर। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ राजा दिनेश सिंह का जो महल है यहाँ पर कालागाकर में। तो उनका गांव कैसा है और उनका महल कैसा है और जो गंगा जी के अंदर बना है उनका महल, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा ब्लॉग है ये, आप कंटिन्यू देखिए इसको। तो चलो आपको दिखाते हैं कि इनका महल कैसा है, कैसे गंगा जी में बना है। तो चलो मिलते हैं अगले। आप यहीं से देखिए, आपको महसूस होने लगेगा कि राजा महाराजा की नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर एक बच्चों के लिए स्कूल है, ये जो देखो बगल में आपको स्कूल दिखाते हैं, जे एम जी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। ये उसका गेट है, ये काल स्कूल है अंदर। और हम कालाकाकर गांव में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत सुकून, बहुत यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है। आपको फिर से बता दूं, यहाँ राजा दिनेश सिंह का महल है और जो अभी वर्तमान में राजकुमारी रत्ना सिंह है वो उनका महल है। राजा दिनेश सिंह की पुत्री है वो, और उन्हीं के गांव में हम प्रवेश कर चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए कितना अच्छा यहाँ का व्यू दिख रहा होगा। तो फाइनली दोस्तों, हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आपको बता रहे थे ये उसका गेट है, लिखा है, अब पढ़ लीजिए। कालाकाकर में है अभी इस समय हम, और महल आपको दिख रहा होगा, ये महल का गेट है। तो चलो इसके अंदर प्रवेश करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसा महल बना हुआ है। बहुत ही पुराना बना हुआ, उसमें सन भी लिखा है, आपको दिखाएँगे किस सन में ये बनाया गया है। तो चलो चलते हैं। तो भाई, गेट के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, आपको महल दिख रहा होगा। और ये देखो, इधर गार्डन टाइप बनाया गया है, कितनी हरियाली है, और यहाँ पर बच्चे खेल भी रहे हैं। तो चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखो, इधर एकदम मस्त गार्डन टाइप पे पौधे लगे हैं, पेड़ हैं, अच्छा लगता है देखने में। ये तो भाई लोग, ये शिव मंदिर है, यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है। और इधर आप देखिए कितना अच्छा व्यू है, देखिए कितने पेड़ पौधे हैं, और ये देखिए महल। अब चलते हैं, आपको यहाँ पर महल का दर्शन कराते हैं और आपको बताते हैं कि महल कैसा है। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि यहाँ से आप कितनी दूर पर रहते हैं और आपको महल अच्छा लगा कि नहीं, हमारा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। चलो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं।
दोस्तों, देखिए ये महल है, आपको अब इस साइड से आगे दिखा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। और महल के सामने देखिए एक रोड है, और इस रोड के बगल देखिए ये महल के सामने यहाँ पर भी कुछ बनाया गया है, प्रशिक्षण भवन। और यहाँ पर कुछ ऐसे व्यू है, ऐसे नज़ारा है, आप देख लीजिए। हर हर रंगे नमामि, इसके पीछे गंगा जी हैं, आपको वहाँ भी दिखाएंगे अभी। आप अपने चारों तरफ ऐसे देख लीजिए। अब यहाँ से चलते हैं, आपको दूसरा महल दिखाएंगे जो कि गंगा जी में बना है। वैसे गंगा जी का आपको दर्शन कराएंगे और उसके बाद वो महल भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जी के किनारे में बगल में एक मंदिर बना हुआ है, ये देखिए, ये मंकी दिख रहा है, ये दिखा आप लोगों को। और यहाँ पर मंदिर बना है, यहाँ पर हम हर हर गंगे करते हैं और आपको दिखाते हैं गंगा जी। ये नीचे है, आओ चलते हैं नीचे, तो आपको दिखाते हैं गंगा जी। और जो महल बना है गंगा जी में, वो यही महल है। ये तो इसकी बगल की दीवार है, इसके पीछे है, तो आपको पीछे साइड से आपको दिखाते हैं कैसा है। आप गंगा जी के एकदम बगल से, सीढ़ी के बगल से आपको व्यू दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कैसा दिख रहा है मंदिर, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। तो चलो आपको दिखाते हैं जो गंगा जी से एकदम जुड़ा हुआ महल है, ये उसकी दीवारें हैं बगल की। और देखिए गंगा मैया इतना बड़ा सा बह रहे हैं यहाँ पर। यार हम ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोल नहीं पा रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो हमारी आवाज़ सुनने में, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब देखिए, ये देखो, ये वो महल है जो गंगा जी के अंदर ही बना है। इसके बगल पानी पूरा चढ़ गया है, वहाँ तक तो हम जा नहीं सकते, वहाँ स्लिप कर रहा है, इसलिए नहीं जाएंगे, आपको दूर से ही दिखा दे रहे हैं। तो आप यहाँ का पूरा चारों तरफ व्यू देख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।